नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। सिर मुड़ाते ओले पड़े, ये कहावत तो आप जानते ही होंगे और ये कहावत पाकिस्तान पर इस समय सटीक बैठती है। पाकिस्तान की बर्बादी के लिए पाक नेता और आर्मी आतंकवादी नासूर बने हैं। ऐसे में पाकिस्तान की जनता खून की आंसू रो रही है और दुनिया कुछ नहीं कर रही है। और अपनी जनता को खून के आंसू रोने से बचाने के लिए पाक पीएम, पाक आर्मी चीफ दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी देश मदद नहीं कर रहा है। ऐसे में जिस भस्मासुर TTP को खत्म करने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ TTP को उखाड़ फेंकने के लिए बिल लेकर आए, उस पर तो अमल अभी नहीं हुआ, लेकिन TTP ने जो कहा उसे करके दिखा दिया। जी हां, तालिबान समर्थित TTP को जड़ से खत्म करने के लिए पाक आर्मी ऑपरेशन कर रही है, तो उधर TTP भी मुकाबले को लेकर तैयार है और ऐसे ऐसे घुमाकर मार रही है कि आसिम मुनीर और शहबाज की सिट्टी पिट्टी गुम है और पाक आर्मी को कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि वो क्या करे। इसी बीच एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। खबर है कि जोहर की नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर TTP के सुसाइड बॉम्बर ने हमला कर दिया, जिससे देखते ही देखते मस्जिद में 83 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद TTP ने बड़े शान से इस हमले की जिम्मेदारी ली और कह दिया कि हमने अपने कमांडर उमर खालिद खुरासनी का बदला ले लिया। पाक सरकार और पाक आर्मी हक्का बक्का है और TTP दहाड़ रही है। तो आज हम बताते हैं कि आखिर एक के बदले 83 की जान लेने वाले TTP कमांडर उमर खालिद कौन है। उमर खालिद खुरासनी TTP का कमांडर है। उमर खालिद का असली नाम अब्दुल वली मोहम्मद है। शुरुआती पढ़ाई उसके गांव में हुई, बाद में वह कराची के कई मदरसों में पढ़ा। वह बेहद कम उम्र में आतंक से जुड़ गया। शुरुआत में पाकिस्तान के इस्लामी जिहादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़ा। बालिग होने पर वह तहरीक तालिबान में शामिल हो गया। अगस्त 2014 में उसने TTP से अलग होकर जमातुल अहरार की स्थापना की, फिर जाकर TTP के साथ मिलकर काम करने लगा। बम विस्फोट में खुरासनी की मौत अगस्त 2022 में अफगानिस्तान में हो गई। पाक टीका इलाके में उमर खालिद खुरासनी की गाड़ी को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि कौन है आतंकी उमर खालिद। यहाँ पर जानकारी देते चलें कि जब वह जमातुल अहरार से जुड़ा हुआ था और अपने तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था, वह अफगानिस्तान में बैठकर कश्मीर में आतंक फैलाने में लगा था। जब प्रेशर बढ़ने लगा तो 2007 में कई सारे आतंकी गुट एक साथ आए और इनसे मिलकर बना तहरीक तालिबान पाकिस्तान। TTP को पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। इसका मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन लाना है। अगस्त 2008 में पाकिस्तानी सरकार ने TTP को बैन कर दिया था। आतंकवाद पर नजर रखने वालों की माने तो TTP की जड़ें 2002 में ही जमनी शुरू हो गई थी। अक्टूबर 2001 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की सत्ता से तालिबान को बेदखल किया तो उसके आतंकी भागकर पाकिस्तान में बस गए थे। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिसंबर 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने TTP का ऐलान किया। 5 अगस्त 2009 को महसूद मारा गया। उसके बाद हकीमुल्लाह महसूद TTP का नेता बना। 1 नवंबर 2013 को उसकी भी मौत हो गई। हकीमुल्लाह की मौत के बाद मुल्ला फजलुल्लाह नया नेता बना। 22 जून 2018 को अमेरिकी सेना के हमले में वो भी मारा गया। अभी नूर वली महमूद TTP का नेता है। TTP कितना खतरनाक है आप उसकी घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। 2012 में TTP ने मलाला यूसुफजई पर भी हमला किया था। TTP ने मलाला को गोली मारी थी। TTP ने मलाला यूसुफजई को वेस्टर्न माइंडेड लड़की बताया था। 2014 में भी TTP ने पेशावर के एक आर्मी स्कूल में गोलीबारी की थी। इस हमले में कम से कम 150 लोग मारे गए थे, जिनमें 131 छात्र थे। पिछले साल TTP ने पाकिस्तान सरकार के साथ हुए सीज फायर समझौते को तोड़ दिया था।
टीटीपी ने अपने लड़ाकों को सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों को मारने का आदेश दिया था। शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मरवात जिले में वरगरा पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है टीटीपी, जिसने पाक आर्मी और पाक सरकार दोनों के चूल्हे हिला दी हैं। अब देखना होगा कि पाक आर्मी और पाक सरकार चोट से बदन सहलाते हैं या फिर कुछ करते हैं।